हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए एसी ब्लैंकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने इस तरह से दो पीस जो है वो कट कर लिए हैं। इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच है और जो विड्थ है वो 9 इंच है। ये इसके लिए हमने क्लोथ जो यूज़ किया है वो प्रिंटेड वेलवेट यूज़ किया है और नीचे हम कॉटन लगा रहे हैं। और साथ ही हमने इसके लिए एक इस टाइप से 3 इंच की एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है जिसकी हम इसके फ्रिल लगाएंगे। फ्रेंड्स, हम इसकी फ्रिल लगाएंगे कैसे, हम इसको ये 3 इंच की लंबी पट्टी है, हम इसको ऐसे इस तरह से डबल करके फ्रिल लगाएंगे और इस तरह से इसमें हल्के हल्के चुनर डालेंगे जिससे कि हमारा ये जो ब्लैंकेट है ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको ये जो हमने बनाया, इसको ये जो हमने दो कप एक कॉटन का और एक वेलवेट का कपड़ा है इसके बीच में इस टाइप से रखेंगे। और ये जो फ्रिल है ये हम 3 साइड पे लगाएंगे, जो कान्हा जी की फेस की तरफ आएगा सिर्फ नहीं लगाएंगे कि उनकी फेस की तरफ फ्रिल आए ना आए। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको बना फ्रिल लगा के दिखाती हूँ। हमने ये फ्रिल जो है वो अटैच कर ली है, हल्के हल्के चुनर डाले हैं हमने बिल्कुल। अब हम इसके ऊपर दूसरा जो वेलवेट का पीस था मैंने ये मशीन से अटैच किया है, आप इसको ग्लू गम से या फिर गम से भी अटैच कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो है ये दूसरा पीस अटैच कर देंगे। क्या मैं आपको ये अटैच करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अटैच कर लिए हैं दोनों पीस। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इतना सुंदर लग रहा है। अब हम दूसरी तरफ से यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसके ऊपर जहाँ जहाँ हमने फ्रिल अटैच की है यहाँ पे हम ये वाला पतले वाला 1/2 इंच का रिबन अटैच करेंगे इस तरह से, इससे ये और भी सुंदर लगेगा। को लगा के फ्रेंड्स हमने इसको अटैच कर लिया रिबन को, चारों रिबन हमने जो है चारों साइड अटैच किया, फिर इससे ब्लैंकेट जो है कितना अच्छा लगने लग गया है। और रिबन लगाने से एक तो हमारी जो सिलाई है वो छुप गई है और जो हमारी फ्रिल है वो अलग से नज़र आने लग गई है। ये बैक साइड से इस तरह से दिखेगा, तो इसमें हमारे कान्हा जी पे कितना अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।